Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Visualize India. Today I will discuss with you which language you must learn to learn data science. हम लोग आज बात करने वाले हैं कौन सी लैंग्वेज हमें लर्न करनी चाहिए डेटा साइंस को पढ़ने के लिए. सो आप लोग जानते अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा एटसेट्रा. अब हम लोगों को क्या है ना, हमें देखना पड़ता है पहले कि हमें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या फिर किस कंपनी के लिए हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. इसका मैं आप लोगों को बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी. आप लोगों ने डेटाबेस देखा होगा, ठीक है. मैंने आप लोगों को कल बताया था डेटा दो तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर डेटा जो टेबल की फॉर्म में होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वेब पेजेस से इन्फॉर्मेशन लेना या फिर फोटोज कलेक्ट करके उनसे इन्फॉर्मेशन लेना, वीडियोज से इन्फॉर्मेशन लेना या फिर ऑडियो से इन्फॉर्मेशन लेना, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है. तो इन दोनों को रीड करने के लिए हम अलग अलग डेटाबेस का यूज करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम एसक्यूएल से दोनों को रीड कर लेते हैं. जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए हम लोग MongoDB का यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है वो डिपेंड करता है आपको किस तरीके का टास्क परफॉर्म करना है. अब जैसे पाइथन के अंदर भी कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जिनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें नमपाई जो होती है वो लार्ज डेटा को ईजीली एक्सेस करने के लिए यूज में ली जाती है. सो बेसिकली जो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ आपको वो ये है कि जो प्रॉब्लम हम लोग जो लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है और किसके लिए वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो. किसके लिए प्रॉब्लम का मतलब यह है कि सपोज कोई कंपनी है वो केवल आर लैंग्वेज पे वर्क करती है, ओके. अब सपोज आपको पाइथन आती है तो आप उस कंपनी में एंट्री नहीं ले सकते बिकॉज आपको नहीं पता आर के बारे में. सो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं लैंग्वेज ऑप्ट करने से पहले. अब जो बेसिक लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं डेटा साइंस में वो है सबसे पहले आर, पाइथन. पाइथन सबसे ज्यादा यूज की जाती है. 80% पीपल जो हैं आज के डेट में डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो पाइथन का यूज करते हैं. पाइथन इसलिए क्योंकि ये एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है और इसको कोई भी यूज कर सकता है और इसके जो कोड्स हैं वो बहुत इजी टू राइट होते हैं, एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, सो इजी टू अंडरस्टैंड भी होते हैं. एंड लेक्स डेटाबेस एसक्यूएल का हम लोग इसमें यूज करते हैं. तो ये तीन बेसिक ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आपको आनी ही चाहिए. नेक्स्ट, अदर जो भी लैंग्वेजेस और डेटा साइंस के लिए यूज में ली जाती हैं वो है स्केला, जावा, C++ एंड जूलिया. जूलिया इज ऑल्सो नाउडेज इज पॉपुलर अमंग्स डेटा साइंटिस्ट. नेक्स्ट अदर और कौन कौन सी हैं, जावा स्क्रिप्ट. नेक्स्ट इज आर PHP, गो, रूबी एंड विजुअल बेसिक. ये भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज ली जाती हैं डेटा साइंस को स्टडीज करने के लिए. अलग अलग भाई है, अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस का जो है आप लोगों को पता होना चाहिए. रोल क्या होते हैं डेटा साइंटिस्ट के, उनमें से ये रोल्स मैंने आप लोगों को मेंशन किए हुए हैं, लाइक बिजनेस एनालिस्ट, डेटाबेस इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टैटिस्टिशियन, प्रोडक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर. ये सारे रोल्स होते हैं डेटा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन एज सून एज आवर नेक्स्ट वीडियो विल गेट अपलोड. Press the bell icon as well. Don't forget to do that. So we will meet in the next video. Till then, bye guys.